स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में होने जा रही है तस्नीम शेख की एंट्री, जो बनी है किंजल की माँ और अनुपमा की होने वाली समधन। तो चलिए मिलते हैं तस्नीम से और करते हैं खास बातें। डेढ़ साल के बाद एक बार फिर तस्नीम हाजिर है राखी बनकर, राखी के मौके पर। तो तस्नीम आ चुकी है अनुपमा में। यस यस, मैं इस बार की एंट्री है धमाकेदार। द कैरेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू अनुपमा। मतलब अनुपमा जिस तरह से एकदम सिंपल सी घरेलू परिवार का देखरेख करने वाली, जो एक नॉर्मल हमारी इंडियन मदर्स होती हैं, वैसी हैं। एंड बट राखी जो है, जो किंजल की मॉम प्ले कर रही हैं, वो एब्सोल्युटली थोड़ी हाई क्लास एंड स्टेटस एंड खाना पीना और अपनी बॉडी, ये सब चीज़ों को मेंटेन करती हुई लेडी हैं, जिसे अपने पैसे और अपने एजुकेशन सिस्टम और खुद को, फैमिली भी बहुत ही एजुकेशन ओरिएंटेड है, तो उस पे उसे बहुत प्राउड फील होता है। एंड वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको बहुत नीचे नज़र से देखती है। सो फॉर हर एजुकेशन मैटर्स द मोस्ट। ये जो सांस वर्सेस जो संधि वर्सेस संधि लड़ाई जो होने वाली है, ये उसका आगाज करने आ चुकी है। यस यस, इसमें मतलब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा कि वो अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं देगी जहाँ पे जिसकी सास पढ़ी लिखी ना हो, यू नो। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। तस्नीम का लुक हमेशा अलग होता है, कुछ खास होता है उसमें, तो आज भी वही ग्रेस है। तो क्या है आज इस बार के लुक, थोड़ा बताए कितना है? एक्चुअली इसमें जो साड़ीज दी हैं थोड़ी यू नो वर्क वाली, एंड जस्ट टू शो दैट यू नो इफ यू सी इसमें वर्क वगैरह किया हुआ है। एंड डायमंड ज्वेलरीज है, ऑब्वियसली शी इज़ वेरी रिच, एंड सो दैट यू नो इफ़ यू कैन सी फॉर जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, सो इफ यू कैन सी कि बहुत ही डायमंड ज्वेलरी एंड नाइस ग्लॉसी मेकअप उस हिसाब से दिया हुआ है। सो यू द ऑडियंस विल लव इट। तो क्या कहना चाहेंगी ऑडियंस अपनी इस ऑडियंस को? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने 22 साल से मुझे बहुत प्यार दिया है। जब मैं वापस आई ब्रेक के बाद, तभी भी आपने मुझे ओपन आर्म से वेलकम किया, प्यार दिया, एंड आज मैं फिर से एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आई हूँ। सो होप यू लव माई कैरेक्टर एंड लाइक माई कैरेक्टर। Keep giving me your blessings. Thank you. हमारी ओर से भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। कैमरामैन नितिन के साथ मुंबई आज तक।